पब्लिक टीवी आपकी आवाज। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, में आओ, होश में आओ। अग्निपथ योजना को वापस लो, वापस लो। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो। जो सरकार की योजना है जो किसी मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों खोप जा रही है। संविधान पे कब से नौ हमारे देश के सैनिक रखे आएंगे तो समझ नहीं आ रहा तो संविधान पे रखे आएंगे तो क्या होगा देश का। तो हमारे सारे आदमी सत्ता ही रहे माध्यम से ना कोई प्रदर्शन कांग्रेस ने कभी करा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में पूरे विधानसभा द्वारा सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। ये सत्याग्रह अग्निपथ योजना के खिलाफ रखा गया है। अग्निपथ योजना जो है आपको पता है जैसी सरकार ने घोषणा कर दी कि ना समझ पा रहे हैं लोग, ना युवा समझ पा रहे हैं कि इस योजना में है क्या। इतना आक्रोश युवाओं के अंदर फैला था आप जानते हैं, बिहार से लेकर तमाम पूरे हिंदुस्तान की कन्याकुमारी तक कश्मीर से लेकर युवाओं के अंदर आक्रोश है। सरकार समझ नहीं पाती, पता है थोपने का काम करती है, हर चीज़ थोपना चाहती है। ये कभी सरकार बताना नहीं चाहती कि इनकी योजना क्या है। ये थोपने का काम ऐसे नहीं चलेगा। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने प्रण किया है जब तक ये सरकार अग्निपथ योजना वापस नहीं लेगी हम तमाम कांग्रेस के लोग आज विधानसभा बार हमने आयोजन करा सत्याग्रह का। हम गांव-गांव तक जाएंगे, गली गली जाएंगे और ये लोगों को उजागर करेंगे कि सत्याग्रह से कितना नुकसान मिलेगा युवाओं को। जैसा हमारे पार्टी हाईकमान हमें दिशा निर्देश देंगे हम वैसा पालन करेंगे पार्टी हाईकमान का। और बाकी आपने बताया आज हमने वहाँ पे अपने कंपनी वाक के सामने गांधी मूर्ति के नीचे मुरादाबाद 28 नगर विधानसभा का अभी प्रोटेस्ट करा था, सत्याग्रह आयोजन किया था। हम यहाँ अम्बेडकर पार्क में 27 नगर मुरादाबाद विधानसभा का आयोजन कर रहे हैं जिनका नेतृत्व पूर्व महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष असद मुलाई साहब कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव चौधरी सुखराज जी, हमारे बीच मधु जी मुरादाबाद के प्रभारी भी हैं, तमाम पूर्व जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, पूर्व महानगर अध्यक्ष जी मौजूद हैं, तमाम सब कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। सत्याग्रह का अभियान शांतिपूर्ण ढंग से देखिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आज सत्याग्रह का कार्यक्रम किया गया है। और उसमें केवल जो अग्नि योजना है जिसमें जो है 4 साल के लिए लोगों को रखा जा रहा है इसके विरोध में ये सत्याग्रह किया जा रहा है। 8 साल के अपने कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी कोई ना कोई ऐसा सगुफा निकाल के लाते हैं कि लोग उसमें उलझ जाएँ और जो बाकी चीज़ें हैं उनसे हट जाएँ। उन्होंने जिस समय सरकार बनने का मामला आया उन्होंने एक एक लॉलीपॉप दिया था कि हर व्यक्ति को 15 लाख उसके खाते मांगे, वो नहीं आए। उससे भटकाने के लिए उन्होंने कहा कि हर साल हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम रोज़गार देंगे, वो रोज़गार तो दे नहीं सके। उन्होंने ये एक 4 साल की योजना ला के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। योजना होनी चाहिए थी, हम योजना के विरोध नहीं करते लेकिन ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि 4 साल के बाद उस लड़के का जो नौकरी करेगा उसका भविष्य क्या होगा, वो किस जगह किस विभाग में जाएगा, कहाँ नौकरी करेगा, उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी इस योजना के अंतर्गत नहीं है। इसी के विरोध में हमारे पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने इस संबंध में कहा था कि युवाओं को भटकाने की योजना है। और हम नहीं कहते, केवल मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं, आज मेघालय के राज्यपाल जो हैं सत्यपाल जी उन्होंने भी इस योजना का विरोध किया है। वो तो सरकार के एक अंग रहे हैं, सरकार द्वारा उनके नाम की सिफारिश करके उन्हें राज्यपाल बनाया गया है। जब वो इस योजना का विरोध कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये कोई बढ़िया योजना नहीं है, लोगों को लॉलीपॉप देने वाली योजना है। और इस योजना का हम कांग्रेस के लोग केवल अभी तो जनपद स्तर पर विधानसभा स्तर पर इसका विरोध हो रहा है, गांव-गांव जाकर लोगों को ये समझाएंगे कि ये कोई योजना नहीं है, लोगों को बेरोजगार करने की योजना है। 4 साल में या तो वो सरकार ये तय करे कि उसके बाद उनकी नौकरी की गारंटी होगी, वरना इस योजना का कोई लाभ ना बेरोजगारों को मिलेगा और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। और मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ये एक विचार है कि उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, जब सेना से आएंगे तो सेना की कुछ ना कुछ जानकारी तो उनको होगी, जब वो खाली हो जाएंगे उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो वो किस तरह की सूचनाएँ लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कि समाज में किस तरह का आचरण करेंगे, ये मेरे समझ से बाहर है। सरकार को इस योजना पर विचार करना चाहिए और इस योजना को लाते समय ये तय करना चाहिए कि जिस नौजवान को हम रोज़गार दे रहे हैं उसके भविष्य तक 60 साल तक इस बात की गारंटी हो
कि वो नौकरी कर सके, उसे पेंशन मिले। ठीक है, चार साल के बाद पेंशन देने की योजना कर दीजिए। चार साल के बाद एमपी और एमएलए को तो पेंशन है, दो साल के बाद पेंशन है, तो इन लोगों को पेंशन क्यों नहीं देते? इतने इस योजना के अंतर्गत जो लोग नौकरी करें, चाहे वो जल सेना में करें या थल सेना में करें या वायुसेना में करें, उन सबकी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए, तब तो मैं समझता हूँ कि इस योजना का कुछ लाभ मिलेगा। वरना ये जो है एक लॉलीपॉप है और सरकार केवल एक मुद्दे से दूसरे मुद्दे को भटकाने के लिए ये सब कार्य करती चली जा रही है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में विधानसभा 22 हमारा एक दिवसीय सत्याग्रह चल रहा था। ये क्योंकि जो मोदी सरकार ने अग्निपथ योजना थोपी है युवाओं पर, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करा है, उसको उसके विरोध में आज हमारा ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह चलते रहेंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी इस अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेगी, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद नहीं करेगी। क्योंकि आपको पता है कि 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी और उसके बाद जाओ बीजेपी वालों के यहाँ चौकीदारी करो। क्योंकि एक मंत्री का बयान भी आपने देखा होगा, इसको कांग्रेस पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने किसानों के जो कृषि कानून थे उनको भी कहा था कि मोदी जी को एक दिन ये वापस लेने पड़ेंगे, वापस लेने पड़े। और इसके लिए भी उन्होंने चैलेंज के साथ कहा कि मोदी जी को ये वापस लेने पड़ेंगे। बगैर सोचे समझे एक योजना थोपी गई है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करा गया है। गाँव का एक बच्चा, मैं गाँव से आता हूँ, गाँव के बच्चे सुबह 4 बजे उठकर पसीना बहाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, एक सपना देखते हैं देशभक्ति का, देश की सुरक्षा करने का। लेकिन 6 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद उनको चीन की सेना के सामने खड़ा करा जाएगा। चीन की सेना से लड़ने के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल की नौकरी, उसके बाद जाइए अपने घर। तो इसके विरोध में हम लोग, कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है और जब तक ये अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी कांग्रेस पार्टी इसी तरह सत्याग्रह करती रहेगी, जगह जगह पॉइंट बदलते रहेंगे। आज विधानसभा स्तर था, कल ब्लॉक स्तरीय जाएंगे, जो भी पार्टी का आदेश होगा जब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये अग्निपथ योजना वापस। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।